इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस लो वेट करैक्टर्स लो वेट करेक्टर्स की अगर हम बात करें तो लो वेट करेक्टर्स ऐसे करेक्टर्स हैं जिन की जो कंट्रीब्यूशन है क्लासीफिकेशन के हवाले से वो बहुत कम होती है टेक्सोनिस्ट ऐसे करेक्टर्स को क्लासीफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते या उनका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं क्योंकि ये जो करेक्टर्स हैं इनका फाइलोजेनेटिक कंटेंट कम होता है ये जो करेक्टर्स हैं ये रिलायबल नहीं होते और ये करेक्टर पुअर इंडिकेटर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप के इसी तरीके से जो लो वेट करेक्टर्स होते हैं ये हाईली वेरिएबल है पिछले मॉड्यूल के अंदर हमने देखा था कि ऐसे करेक्टर जो के लेस वेरिएबल्स होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है टूअर्ड क्लासिफिकेशन वो ज्यादा होता है और ऐसे करेक्टर्स जो कि हाईली वेरिएबल हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन में कम है फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेयर्स की बात करें तो जो नंबर ऑफ हेयर्स हैं मैमल्स के अंदर वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं एक इंडिविजुअल के जो नंबर ऑफ हेयर्स हैं वो दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं उसके हेयर से बहुत ज्यादा फर्क हो सकते हैं इवन उसको काउंट करना भी मुश्किल होता है तो ये एक ऐसा करेक्टर है जो कि हाईली वेरिएबल है इस वजह से क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस करेक्टर को रिलायबल करेक्टर नहीं कहा जा सकता इसी तरीके से अगर हम ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ आर्टरीज की बात करें तो ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ आर्टरीज जो है ये ना सिर्फ एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर वेरी करता है बल्कि इन सेम इंडिविजुअल राइट और लेफ्ट साइड का जो आर्टिस का ब्रांचिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है तो इसका मतलब है ये जो करेक्टर है ये भी हाईली वेरिएबल करेक्टर है इस वजह से ऐसे वेरिएबल करेक्टर्स जो है ये क्लासिफिकेशन के अंदर कम हेल्पफुल होते हैं इस वजह से ये लो वेट करेक्टर्स हैं इसी तरीके से ऐसे करेक्टर जो मोनोजेनिक हैं या ओलिगोजेनिक हैं इनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड आइडेंटिफिकेशन वो भी कम होता है इसके साथ साथ जो रिग्रेसिव क्रैक्टर्स हैं यानी ऐसे करेक्टर्स जो वक्त के साथ साथ जिनके अंदर लॉस होता रहता है रिडक्शन हो रही होती है ऐसे करेक्टर्स भी लो वेट करेक्टर्स कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ आइस लॉस ऑफ विंग्स इन बर्ड्स इसी तरीके से विंग वेन इंसेक्ट्स के अंदर उसके अंदर रिडक्शन होना इसी तरीके से मैमल्स के जो टीथ हैं उसका लॉस होना या उसके अंदर रिडक्शन होना इसी तरीके से जो सेगमेंटेड एनिमल्स हैं उसके सेगमेंट के अंदर लॉस होना कि तमाम करैक्टर्स जो हैं लो वेट करैक्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं हो सकते इस वजह से टेक्सोनॉमी के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस कम है अब ये जो लॉस है करेक्टर का इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं इनमें से एक रीजन इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हैं फॉर एग्जांपल केव के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं तो क्योंकि वहाँ पे अंधेरा होता है उसकी वजह से जो है एनिमल्स की जो आइज हैं वो लॉस हो सकती हैं इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके हैबिटेट की वजह से उनके अंदर बहुत सारे करेक्टर्स लॉस हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे करेक्टर्स की उनको नए हैबिटेट के अंदर ज़रूरत नहीं रहती जैसे अगर हम पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी गट के अंदर रहते हैं बहुत सारे उनमें से ऐसे पैरासाइट्स हैं जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम ये सारे रिड्यूस हो चुके होते हैं तो ये वो करेक्टर हैं जो कि हाईली वेरिएबल हैं तो ऐसे जो वेरिएबल करेक्टर्स हैं इनको रिलायबल करेक्टर्स नहीं कहा जा सकता इसी तरीके से वो तमाम प्रॉपर्टीज जो कि हाई वेट करेक्टर्स के अंदर मौजूद है लो वेट करेक्टर्स के अंदर वो ऑपोजिट है फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्स्टेंट नहीं है इनके अंदर वेरिएबिलिटी है जबकि हाई वेट करेक्टर जो है वो कांस्टेंट थे उनके अंदर वेरिएबिलिटी कम थी इसी तरीके से ये कंसिस्टेंट नहीं होते लो वेट जो है ये नॉट कंसिस्टेंट लेकिन हाई वेट करेक्टर कंसिस्टेंट होते हैं इसी तरीके से हमने ये देखा था कि जो हाई वेट करेक्टर्स है इकोलॉजिकल शिफ्ट के नतीजे में उनके अंदर चेंज नहीं आता लेकिन जो लो वेट करेक्टर्स हैं इकोलॉजी के अंदर शिफ्ट के साथ उनके अंदर चेंज आता है इसी तरीके से जो हाई वेट करेक्टर थे उनके बारे में हमने ये पढ़ा कि वो हाईली कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन जो लो वेट करेक्टर्स होते हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं तो जो लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, इनके फाइलोजिनेटिक कॉन्टेंट्स कम होते हैं तो लो वेट करेक्टर्स की जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड सिस्टमैटिक्स या क्लासिफिकेशन वो बहुत कम होती है